हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्जियल स्केलेटन के पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने पढ़ा था कि पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स की बोन्स इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेल्विक गिर्डल के बारे में। पेल्विक गिर्डल का अगर अपन डोर्सल व्यू देखें तो अपने को ऐसे लगता है कि दोनों जो हाफ हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों सेपरेट नज़र आते हैं। लेकिन अगर उसका वेंट्रल व्यू देखते हैं, हम देखेंगे कि नीचे से इसी मीडियम से ये कनेक्टेड नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि किस वजह से ये कनेक्टेड हैं। पेल्विक गिर्डल जो है वो चार बोन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक हाफ, मतलब मैं हाफ बोल रही हूँ तो मतलब एक साइड का पार्ट, एक हिस्से की अगर मैं बात करती हूँ तो ये चार बोन से मिलकर बना हुआ होता है। सुप्रा स्केपुला, स्केपुला, क्लेविकल एंड कोराकोइड, ये चार बोन मिलके एक हाफ को बनाती हैं। ये चार इधर मिलके इस वाले पोर्शन को बनाती हैं और इधर दूसरी चार मिलके दूसरे वाले पोर्शन को बनाती हैं। सुप्रा स्केपुला है ये सबसे बड़ा रीजन होता है पेक्टोरल गिर्डल का, और उसके बाद स्केपुला, ये वाला रीजन स्केपुला है। स्केपुला इस एरिया में ग्लिनोइड केविटी पाई जाती है। ध्यान से सुने, ग्लिनोइड केविटी पाई जाती है। इस केविटी में फोर लिम की जो सबसे बड़ी बोन है जिसको अपन हुमरस कहते हैं, हुमरस जो बोन है उसका हेड यहाँ पे फिट होता है। कई बार आपके ऑरली किसी वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ह्यूमरस का हेड जो है वो कौन सी कैविटी में फिट होता है। तो पेक्टोरल गिर्डल की जो ग्लिनोइड कैविटी है उसमें फोर लिम की ह्यूमरस का हेड आके फिट होता है। ये आगे भी अपन एक बार जब ह्यूमरस को पढ़ेंगे तब दोबारा अपन ग्लिनोइड कैविटी का जिक्र करेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं क्लेविकल बोन। ये जो बोन है दोनों तरफ की, ये बोन है क्लेविकल बोन और ये जो बोन है ये है कोराकोइड बोन। जो क्लेविकल और कोराकोइड बोन है ये दोनों आपस में भी कनेक्टेड रहती हैं, और ये कनेक्ट रहती है एपी कोराकोइड, एक कार्टिलेजिनस टिश्यू है उसकी मदद से ये दोनों बोन आपस में कनेक्ट रहती हैं। इसके अलावा जो क्लेविकल बोन है के ऊपर आपको एक छोटी लाइन है, एक स्ट्रिप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, कार्टिलेज है जो कि जिसको अपन कहेंगे प्री कोराकोइड, और ये क्लेविकल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये है अपना पेक्टोरल गिर्डल जो कि चार बोन से मिलकर बना होता है, सुप्रा स्केपुला, स्केपुला, क्लेविकल एंड कोराकोइड। और इसी के साथ जैसे अपने पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि ये स्टर्नम जुड़ा रहता है जिसके चार पार्ट हैं, एपी स्टर्नम, ओमोस्टर्नम, मिजो स्टर्नम एंड साइफी स्टर्नम। इसके बाद अपन बात करेंगे पेल्विक गिर्डल की। पेल्विक गिर्डल जो है फ्रॉग का वी शेप का होता है। जैसा कि अपन ने शुरू के स्ट्रक्चर में देखा था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये पेल्विक गिर्डल है जो कि वी शेप का है। मतलब इसके भी दो पार्ट हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ये दोनों ही आपस में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, और बीच में है ये वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट पार्ट जिसको अपने कहा था यूरो स्टाइल। तो ये आधा हाफ और ये आधा हाफ दोनों मिलके पूरा वी शेप का पेल्विक गिर्डल बनाते हैं। पेल्विक गिर्डल के जो दो हाफ हैं उनमें से प्रत्येक हाफ को अपने टर्म दी गई है जिसको अपन कहते हैं इनोमिनेटम, और प्रत्येक हाफ या एक इनोमिनेटम तीन बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं जो सबसे लंबा वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ये है इलियम, इसके बाद ये जो रीजन है ये बनाता है इस्चियम, और ये नीचे का जो पार्ट है ये प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एंड जो प्यूबिस है ये फॉर्म करता है एसिटाबुलम कैविटी को। ध्यान रखें
पेक्टोरल गिर्डल में जो कैविटी थी उसका नाम था ग्लिनोइड कैविटी, जबकि पेल्विक गिर्डल के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, उसका नाम है एसिटाबुलम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वाइवा का 100% क्वेश्चन बनता है कि पेक्टोरल गिर्डल की जो कैविटी उसका नाम क्या और पेल्विक गिर्डल की कैविटी का क्या नाम। तो पेक्टोरल गिर्डल की जो कैविटी है वह ग्लिनोइड कैविटी है, जिसमें हुमेरस का हेड फिट होता है, और पेल्विक गिर्डल की जो कैविटी है वो है एसिटाबुलम कैविटी, जिसके अंदर फीमर बोन जो है, जांघ की जो हड्डी है, उसका हेड आके फिट होता है। तो ये है पेल्विक गिर्डल। अब बात करते हैं अपन फोर लिम्स की बोन्स, मतलब फोर लिम मतलब हाथ कहते हैं या फिर फोर लिम कहते हैं, एक ही बात है। फोर लिम की बोन्स में क्या क्या आएंगे? ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, हैंड बोन्स, ये सब मिलके फोर लिम की बोन्स बनाते हैं। हुमरस जो है शॉर्ट सिलेंड्रिकल बोन है अपर आर्म की, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बोन जो स्लाइटली कर्व लिए हुए, मतलब हल्का सा इसमें घुमाव आपको देखने को मिलेगा। ये जो शाफ्ट, ये वाला जो रीजन है, इसको अपन जो रोड लाइक स्ट्रक्चर इसको शाफ्ट कहते हैं। ये शाफ्ट जो है हल्का सा घुमाव लिए हुए हैं, और ये जो रीजन जिसको अपन हेड कह रहे हैं, ये हेड जाके पेक्टोरल गिर्डल की जो ग्लिनोइड कैविटी थी वहां फिट होता है। ध्यान रहे, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, हुमरस का जो हेड है वो पेक्टोरल गिर्डल की ग्लिनोइड कैविटी में जाके फिट होता है। इस बोन को पहचानने का एक लैंडमार्क है, या फिर आप उसकी आइडेंटिटी कैसे करें, यहाँ पे ये जो उभरा हुआ एक आपको परत सी दिखाई दे रही है, उठा हुआ एक रीजन दिखाई दे रहा है, जिसको अपन डेल्टोइड रिज कहते हैं। आप इसको याद रख लें तो आप आराम से पहचान पाएंगे, या आप पहचान बना लें इस चीज़ की कि फ्रॉग की जो हुमरस है उस पर डेल्टोइड रिज पाया जाता है। अगर चार बोन्स, चारों क्लासेस के एनिमल्स के की बोन हुमरस रखी जाती है, तो आप आराम से फ्रॉग की पहचान सकते हैं कि फ्रॉग की जो हुमरस है उस पर डेल्टोइड रिज पाया जाता है। ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं ट्रोकलिया। ये जो ट्रोकलिया है, ये जो इसके बाद की जो बोन है उसके साथ फिट होता है, रेडियस अल्ना, हुमरस के बाद रेडियस अल्ना आती है, उसके साथ जाके ये फिट होता है। अभी जब रेडियस अल्ना पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे ट्रोकलिया आके इसके अंदर फिट होता है। ये हुमरस का एंटीरियर व्यू है और ये हुमरस का पोस्टीरियर व्यू है, तो आप डेल्टोइड रिज से इस बोन को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं रेडियो अल्ना की, रेडियस अल्ना भी कह सकते हैं या फिर रेडियो अल्ना भी कह सकते हैं। ये दो बोन है, ध्यान रखें ये दो बोन है, ये वाली जो है ये रेडियस है और ये बाहर की तरफ वाली अल्ना है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे अपन अपने हाथ का पंजा हो, ये अपना थंब है और ये चारों अंगुलियां जैसे आपस में अपने मिला ली हो, उस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये आपको पहचानने में हेल्प कर सकता है कि फ्रॉग की जो रेडियस अल्ना है वो बिल्कुल ऐसे हाथ के पंजे की तरह लगती है। इसकी एक पहचान और है, यहाँ पे जो अल्ना है, अल्ना के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ओलेक्रोनोन प्रोसेस पाया जाता है। ये वाइवा का क्वेश्चन बनता है, ये ओलेक्रोनोन प्रोसेस कौन सी बोन पे पाया जाता है, आप आंसर कर सकते हैं रेडियो अल्ना के ऊपर। और ये जो रीजन है ये है कैविटी फॉर ट्रोकलिया, ये जो हुमरस का जो ट्रोकलिया है वो आके यहाँ आके फिट होता है। तो ये हुमरस, रेडियस अल्ना और उसके बाद हाथ की जो हड्डियाँ उनके बारे में। ये सपोज ये आपकी रेडियस अल्ना है, तो रेडियस अल्ना के बाद में ये छह बोन्स पाई जाती हैं, तीन ये है और तीन ये वाली बोन्स। इनके नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सबसे पहले वाली बोन है अल्नेर, फिर आती है इंटरमीडियम, फिर ये रेडियर, फिर नीचे वाली रो की जो है वो ट्रिपेजियम, ट्रेपिजोइड और लास्ट वन कैपिटो हेमेटम, और उसके बाद आती हैं मेटाकार्पल्स। ये 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स हैं, जिसमें ये एक रूडिमेंट्री है, मतलब ये किसी काम की नहीं है। और मेटाकार्पल्स के बाद में ये फैलेंजेस पाए जाते हैं। तो
जो सेकंड और थर्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर के जो मेटाकार्पल्स हैं उनमें दो दो फेलेंजेस पाए जाते हैं, वन और टू, और जो फोर और फिफ्थ नंबर के जो मेटाकार्पल्स हैं उनमें वन टू थ्री तीन तीन फेलेंजेस पाए जाते हैं। तो ये हैं फोर आर्म्स की बोन। ये थ्योरी है, थ्योरी आप पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं हाइंड लिम्ब बोन्स की। हाइंड लिम्ब में कौन कौन सी बोन आएंगी? फीमर, टीबिया, फिबुला, एस्ट्रागेलस, कल्केनम और ये फुट की बोन्स। ये चारों मिलके हाइंड लिम्ब की बोन्स चलाती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फीमर की। ये जो फीमर है इसका पूरा पूरा शाफ्ट ये दो घुमाव लिए हुए यहाँ से ऐसे करके पूरा उसमें, जबकि आपको हल्का सा एक हुमरस में हल्का सा एक जगह घुमाव दिख रहे थे, यहाँ पे आपको दो घुमाव आपको दिख रहे हैं। दूसरा, ये जो फीमर का जो हेड है, अब ये जाके पेल्विक गिडल की जो एसिटाबुलम केविटी है उसमें जाके फिट होता है। ध्यान रखें, पेल्विक गिरडल की एसिटाबुलम केविटी। इसके बाद आता है टीबिया फिबुला। इनर साइड का टीबिया है और बाहर के साइड की फिबुला। और टीबिया जो बोन है इसको टीबिया फिबुला को पहचानने का जो पहचान मार्ग आप मार्क कर सकते हो वो ये है कि टीबिया जो टीबिया के ऊपर ये टीबिया क्रेस्ट, ये एक थोड़े से उठा हुआ पार्ट आपको दिखेगा तो आप पहचान सकते हैं कि ये टीबिया क्रेस्ट है। टीबिया क्रेस्ट पाया जाता है फ्रॉग की टीबिया फिबुला पे। और ये जो पार्ट है प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर फेसेट, ये जाके फिर एस्ट्रागेलस कल्केनम के साथ जुड़ जाता है। टीबिया फिबुला के बाद आएगी एस्ट्रागेलस कल्केनम। ये भी दो बोन से मिलके बना होता है लेकिन इन दोनों के बीच में गैप पाया जाता है। आप इसको देख के कंफ्यूज ना होए, रेडियस अल्ना से भी कंफ्यूज हो सकते हैं आप और टीबिया फिबुला के साथ भी, लेकिन ध्यान रखें इनके बीच में काफी वाइड गैप पाया जाता है। इनर साइड वाली कल्केनम कहलाएगी और ये बाहर की साइड वाली एस्ट्रा गेलस। और इसके बाद अब आएंगे आपकी, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये टीबिया ये एस्ट्रागेलस कल्केनम है ये बोन, और उसके बाद डिस्टल एपिफाइसिस, ये पांच बोन से मिलके बनी होती है। और उसके बाद मेटा टार्सल्स के बाद में यहाँ पे फेलेंजेस हैं। पहले दो फेलेंजेस में दो दो सॉरी मेटा टार्सल में दो दो फेलेंजेस हैं, थर्ड नंबर में वन टू थ्री और फोर्थ में वन टू थ्री फोर और लास्ट में वन टू थ्री। ये फेलेंजेस आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो ये थी फ्रॉग की हाइंड लिम्ब्स की बोन्स। सो अब तक अपन ने सारा वन गो में पढ़ा है एक्जियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। दो वीडियो हैं, ये दोनों को आप कंबाइन करके देख लीजिएगा तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसा आपने फ्रॉग को पढ़ा है उसी तरीके से आपको वरानस, फाउल और रेबिट को भी पढ़ना है। थैंक यू।